मैम मैं आईआईटीएम का स्टूडेंट बोल रहा हूँ आशुतोष कुमार, आईआईटीएम अहमदाबाद से। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम लोग पहले भी मेल किए थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में फी को कम कराने को लेकर, इसलिए हाँ जी मुझे सर से बात करनी थी। किस रिगार्डिंग? वही फी के रिगार्डिंग मैम। हाँ फी के रिगार्डिंग, फीस के? हाँ आईआईटीएम कॉलेज के फीस के रिगार्डिंग। सर इसके रिगार्डिंग तो आप नेशनल काउंसिल में बात? नहीं नहीं मैम, मैं वहाँ बात किया था एल के गामली जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि आप सर से बात करो एक बार जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इन ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, तब मैं फिर आपका नाम? मैम आशुतोष कुमार। ठीक है। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं आशुतोष कुमार आईआईटीएम अहमदाबाद का स्टूडेंट बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आशुतोष। सर मैं ये बोल रहा था कि सर हम लोग ने पहले भी मेल किया था आपको, और जबकि सर अभी ये था कि हम लोग का प्रैक्टिकल्स एंड कॉलेज तो सर बंद ही है, तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, नहीं हम लोग कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नहीं सर प्रैक्टिकल में जो भी हम लोग का आईआईटीएम कॉलेज में सर ज्यादातर प्रैक्टिकल में ही खर्च होते हैं, ठीक है सर, तो वो सब हमारा यूज हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सर कॉलेज हमारी फी को अभी कम नहीं कर रही है, जबकि हमारे पेरेंट्स के कंडीशन उतना अभी कोविड के कारण सर आर्थिक मंदी पूरे देश में है, तो मंदी कारण हम लोगों ने उनको एक एडवाइजरी दिया है, लेकिन सर एडवाइजरी हम लोगों ने देखा तो उसमें सर ये था कि प्रिंसिपल मेरिट के हिसाब से कम करे और इंस्टॉलमेंट सर मेरिट के हिसाब से, लेकिन किस मेरिट पे सर अगर रिजल्ट देखा जाए वो उनको नहीं, उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि हर आईएचएम की स्थिति अलग अलग है, जैसे कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो ज्यादा लोगों को दे सकते हैं कंसेशन, और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए शिलोंग में जो हमारा आईएचएम है या श्रीनगर में आईएचएम है या हाजीपुर में आईएचएम है, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो वो उनकी हालत के हिसाब से अपना वो पैरामीटर बनाएंगे, जैसे कि अगर आपकी इनकम कम हुई तो आपकी एक सर्टिफिकेट लगेगी, आपके पेरेंट्स की अगर कोई दिक्कत हो गई है जॉब से रिलेटेड या कुछ उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस तरह से करके हमने उनको बोला हुआ है कि अगर जिसकी जो कोई बच्चा को ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई बच्चा को कम भी दे सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की जॉब में 50% पे कट हो गई है, तो अगर वो सर्टिफिकेट देगा कि मेरे पेरेंट्स की 50% कट हो गई पे, तो उसको उतना कंसेशन उस तरह से मिलेगा, अगर जिस किसी की जॉब ही चली गई है तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, आप नहीं समझते ऐसा होना चाहिए? हाँ सर वही चीज मैं बोल रहा हूँ। और आपको सर्टिफिकेट देना होगा, और वो आपके जो आईएचएम है हर आईएचएम का एक जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि हर आईएचएम की स्थिति अलग अलग है, लेकिन तो सर सारे आईएचएम तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ही अंडर आता है, लेकिन कॉस्ट नहीं, जैसे हम मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल, अब जैसे आईएचएम पूसा का नाम आपको पता होगा, आईएचएम पूसा में जो टीचर्स हैं उनको अब जैसे पे कमीशन का जो बेनिफिट था वो सबको एक साथ नहीं मिला, अब जैसे 2018 में आईएचएम पूसा का मिला, बिकॉज क्या था कि वहाँ के जो बीओजी थे उन्होंने तय किया कि इसकी हालत अच्छी नहीं है, तो उनको 2 साल नहीं दिया उनका सैलरी, और जो पेंशन था जिनको मिलता था वो 2016 में नहीं मिला उनको, 2018 में मिला, तो 2 साल का उनको लॉस हो गया, लेकिन ये बात अहमदाबाद में नहीं हुई, चंडीगढ़ में नहीं हुई, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी थी, इसलिए उनको नहीं झेलना पड़ा वहाँ के टीचर को, तो इसलिए हर की माली हालत अलग है हर को, और ये डेलीगेट कर दिया हम लोगों ने यहाँ मिनिस्ट्री से, डेलीगेट कर दिया कि अपनी हालत को देखते हुए आप लोग उसको अपना डिसीजन ले लीजिए कि किस बच्चे को कितना देना है मेरिट पे, अगर कोई बच्चा सही में जरूरत है उसको आप ज्यादा दो, जिसको कम जरूरत है। लेकिन सर बात ये है कि जब कोई अभी कॉलेज बंद होने के कारण, पहले से दो मंथ पहले भी तो कॉलेज बंद हो गए थे सर पिछले सेमेस्टर की, तो उसमें जो एक्सपेंसेस बचे थे कॉलेज का वो भी तो सर इसमें एड अप होगा, और इस बार सिर्फ ऑनलाइन अभी क्लासेस हो रहे हैं सर, तो ऑनलाइन क्लासेस को उतना एक्सपेंस नहीं जा रहे होंगे, ऑनलाइन तो आपका आप एक समझिए कि 1-1.5 महीना और हो सकता है क्लास हो, अभी तो सारी कॉलेजेस वगैरह है सितंबर एंड तक मोस्ट लाइकली सब खुलने लगेंगे। नहीं सर अभी कैसे खुलेंगे सर, जबकि 64,000-65,000, इस पर हमें डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, सितंबर एंड तक मतलब उम्मीद है कि सितंबर अंत तक या अक्टूबर में कॉलेजेस खुलने लगेंगे, और जहाँ तक आपके रॉ मटेरियल की जो बात है वो अब इनको हमने कहा होगा कि वीडियो बना करके रॉ मटेरियल ला करके आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप चालू कर दीजिए, लेकिन सर रॉ मटेरियल एक रॉ मटेरियल मैंने आपसे बात कर लिया
ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो दिक्कत हो रही हैं, वहाँ बच्चों का बहुत सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन सर किसी को परेशानी नहीं। सर बस इसमें सर एक चीज ज्यादा हो जाता तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता सर, सर कॉलेज तक क्लियर कर देता कि जो एक्सपेंसिव उसका नहीं हो रहा है उस चीज को भी सर कम कर देता। साथ में आपको जाने, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है सर, बच्चे जमा करते हैं सर, जो बच्चे जमा करते हैं उनका भी तो कम होना चाहिए ना, उनका तो जाना चाहिए कि उनका भी अगर मेरी उस हिसाब से। हेलो बोलिए। हाँ तो सर इस चीज को भी सर अगर करवा देते कि जो बच्चे अभी जमा कर दिए, मान लीजिए जल्दी जल्दी में जमा कर दिए, लेकिन उनका भी घर की कंडीशन उसी तरह का है जैसे हम लोग का भी है, तो उनका भी सर अगर मेरिट अपना दिखला देते तो उनका भी कम होने का, ये भी सर अगर ये इंस्टीट्यूट पर हम लोग इसीलिए छोड़ा है कि अब IHM में जो इंस्टीट्यूट में जो हालत है वही IHM हाजीपुर की हालत नहीं है, हाजीपुर की हालत खराब है, तो अब किसी की खराब है किसी की अच्छी, तो एक जैसे एक ही डंडे से सबको या एक ही कवर में सबको चला दीजिए तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर कॉलेज है तो एक ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा इन लोगों को रनिंग के लिए नहीं देता है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देता है, अगर रनिंग के लिए देता तो उसके लिए तो कमेटी बैठी हुई है कि बंद किया जाए, जो जो कॉलेज है जहाँ पर रनिंग नहीं चला पा रहे हैं उनको बंद किया जाए, तो इसीलिए हम लोग उसको रनिंग का तो अभी दे नहीं रही, कोई किसी भी कॉलेज को नहीं मिल रहा रनिंग के लिए, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हर कॉलेज की हमारी हालत अलग है और उसके हिसाब से उनको अपना अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये पावर डेलीगेट किया हुआ यही हम लोगों ने कहा है उनको कि आप जो जेन्युइन बच्चा है जो जिसको सही में दिक्कत हो रही है उसको आप ज्यादा दीजिए, जो कम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और पेरेंट्स का टोटल इनकम अगर कम हुआ है तो उसको दिखा करके और फिर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ओके ठीक धन्यवाद धन्यवाद।